एवरीवन, आज हम आपको लेकर के आए हैं हमारी केमिस्ट्री लैब में, ओके, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, केमिकल्स रखे हुए हैं, और आज यहाँ पर इन्हीं केमिकल्स से मैम हमें कुछ मैजिक करके दिखाने वाली हैं, ओके। तो आप सब रेडी हैं ना मैम से मिलने के लिए और उनके मैजिक देखने के लिए? हेलो एवरीवन, आप सभी मुझे जानते हैं, मैं आपकी शिल्पी मैम हूँ। और आज हम कहाँ पहुँचे हैं, हमारे केमिस्ट्री लैब में। आज हम जानेंगे कुछ मैजिकल ट्रिक्स, यानी कि वो मैजिकल ट्रिक्स नहीं होती है, क्या होती है, एक साइंटिफिक ट्रिक होती है, साइंस का ही एक मैजिक है। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ एप्रेटस हैं। जी हाँ, इनको क्या कहते हैं, एप्रेटस। आपने जैसे किचन में देखा होगा कई यूटेंसिल्स को, यहाँ केमिस्ट्री लैब में इन्हें क्या कहा जाता है, एप्रेटस। तो यहाँ पर कुछ मेजरमेंट देख रहे हैं, आपने पढ़े होंगे ना मेजरमेंट्स, मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी केमिस्ट्री लैब में हम कोई भी चीज केमिकल को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं और इसे मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं। और ये देखिए, ये कितना प्यारा एप्रेटस है, इसे कहते हैं बीकर, ठीक है। ये भी मेजरमेंट के लिए है, दिख रहा है ना। अब देखिए इसका शेप, देखिए कैसा है, बीक शेप्ड, ठीक है। इसका नाम बीकर क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका शेप क्या होता है, बीक की तरह, जैसे हमारी बर्ड्स की बीक होती है ना, उसी शेप की होते है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बीकर। देखिए हमारी लैब में कई तरीके के केमिकल्स होते हैं, जैसे बायो लैब में कई स्पेसिमेन देखे आपने, आज हम केमिस्ट्री लैब में कई तरीके के केमिकल्स देखेंगे जिनका यूज हमारे डेली लाइफ में कई तरीके से होता है, जैसे कि मेडिसिंस बनाने में। आजकल आप देख रहे हैं ना सैनिटाइजर का यूज, सैनिटाइजर भी इन्हीं केमिकल से बनाया जाता है। तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि ये क्या है, एसीटोन, ठीक है। ऐसे ही कई तरीके के केमिकल्स हैं और बहुत ही कलरफुल केमिकल्स होते हैं, इनका कई तरीके से हम यूज करते हैं। ये देखिए कुछ सॉल्ट्स हैं, ये सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं हमको, ये देखिए कितने सारे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज हम इनमें से कुछ वन और टू एक्टिविटी करेंगे और साइंस का मैजिक देखेंगे। देखिए पहला मैजिक दिखाने जा रहे हैं, देखिए कैसे लगा, ये हमारा पहला मैजिक है। आपने अपने किचन में देखा होगा कि किस तरीके से चूल्हे पे आग लगती है, ठीक है, वो पूरा गैस का एक सेटअप होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कोई सिलेंडर नहीं है, है ना, एक पाइप से कनेक्टेड है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल आप घर पे नहीं करेंगे, ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्टर के गाइडलाइन में होता है। तो हम बताते हैं कि हमारे लैब में एक पूरा सिलेंडर पाइपलाइन से कनेक्टेड है, वेल सेटल्ड। ये देखिए यहाँ पर एक लीवर लगाया गया है, ठीक है, इसको हम ऑन करते हैं, अगर इधर को हम बेंड करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। और ये पूरी पाइपलाइन है, देखिए इस तरीके से। और एक कैबिन में हमारा सिलेंडर फिट है और एक प्रेशर पंप भी यहां पर लगाया गया है। अब अगर बाय मिस्टेक आग लग गई लैब में, फायर हो गई, कोई ऐसी इंसिडेंट एक्सीडेंटली हो गए, तो उसके प्रिकॉशन के लिए हमने सेफ्टी मेजरमेंट भी रखे हुए हैं। ये देखिए, अगर गलती से एक्सीडेंटली फायर कैच हो गई लैब में तो हम इसका यूज करते हैं। ये देखिए मेरी मैजिकल स्टिक, जिसको मैं ग्लास रॉड बोलती हूँ। तो अब हम मैजिक करने वाले हैं, तो मेरे साथ बोलिए आबरा का दाबरा। तो आपने देखा कि किस तरीके से मेरी मैजिकल स्टिक में फायर कैच हुई और स्मोक आया, ठीक है। तो वो मैजिक साइंस का मैजिक था और इस केमिकल का मैजिक था, जिसे बेंजीन कहते हैं। और कई लोग इस मैजिकल ट्रिक को दिखाते हैं, बट ये एक साइंटिफिक टर्म है, ठीक है, जो कि आप अपनी बड़ी क्लास में सीखेंगे। ये क्या है, जिसे क्या कहते हैं हम यहाँ पर, आजकल इसका बहुत यूज हो रहा होगा, लेमन, ठीक है। अब इसके साथ हम मैजिक करने वाले हैं,
तो मेरे साथ बोलिए बच्चों, आबरा का दाबरा। तो बच्चों खोलो अपनी मुट्ठी। अरे अरे मेरे हाथ में ये देखो क्या हो गया, मेरे हाथ बिल्कुल रेड हो गए हैं। और हमारा मेमन क्या हो गया है, पूरा रेड। तो ये भी साइंस का मैजिक है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि ये कैसे हुआ। तो ये साइंस का मैजिक कैसे हुआ, इस मैजिकल केमिकल से जिसे मिथाइल ऑरेंज कहते हैं। और ये भी आप अपनी सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे और ये साइंटिफिक टर्म को जानेंगे कि कैसे ये लेमन के कलर को चेंज कर देता है। तो बच्चों आपने कभी देखा है कि पानी में आग लगी है, तो आज हम पानी में आग लगा के दिखाएंगे, यानी कि वाटर में एक ऐसा एलिमेंट डालेंगे, ठीक है, जो कि फायर कैच कर जाएगा। रेडी, देखिए कैसा साउंड आ रहा है। ये देखिए पानी में आग लग गई। ये एक मैजिक नहीं है, ये एक साइंस का मैजिक है। ये एलिमेंट वाटर में फायर को कैच कर जाता है और इसका नाम है सोडियम। तो आज आपने कई मैजिकल सॉरी साइंटिफिक मैजिकल ट्रिक्स देखी, तो ऐसे ही आगे भी कई मैजिकल मैं आपको दिखाऊंगी। ये सब चीजें केमिकली चेंजेस के कारण होती है, ना कि कोई मैजिकल ट्रिक होता है। तो आपको ऐसे ही और भी अगर अच्छी अच्छी मैजिकल ट्रिक्स देखनी है तो आपको मैं दोबारा से दिखाऊंगी। आज हम यहीं पर इतनी मैजिकल ट्रिक्स करेंगे, सॉरी साइंटिफिक मैजिकल ट्रिक करेंगे और फिर मिलेंगे। बाय बाय।